डोंट पंच विद योर आर्म्स, पंच विद योर लेग्स. आई एक्सप्लेन. What if I told you the power in your punch doesn't actually come with your arms, not the hands? There are many factors involved, like the ankle, the knee, the hip movement, the shoulder movement, the breathing out, the mechanics in which you extend your arm. All this comes together, then your punch will have double the power. Double. Yes, 100% guarantee. 916. Serious? मार्केट में तरह तरह के पंच घूमते रहते हैं. इन बॉक्सिंग यू कॉल दिस अ क्रॉस, इन समथिंग एल्स दे कॉल इट समथिंग एल्स, इट इज कॉल्ड एज याकुसुकी कराचे. सो बेसिक एक चीज से सीखने के बाद आप इधर उधर से चीजें मिला सकते हैं. लेट अस फर्स्ट टेक कराचे एज द मिडिल पॉइंट. मतलब टुडे वी विल सी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवर्स पंच. दिस कैन बी अ रिवर्स, दिस कैन बी अ स्ट्रेट राइट or a cross, whatever you like to call it. I'm using my legs. Now what to do with your legs? पैरों के साथ आपको क्या करना है? Ankle use करना है, knee use करना है, and hip use करना है. एक-एक करके दिखाएंगे. आ जाओ. Notice what I'm doing with the ankle. ये वाला joint. ये वाला नहीं. पहले ये वाला देखेंगे. Just like for jumping, we would do this, right? हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं. ये. उसी तरीके से आगे की तरफ जाने के लिए भी यही इस्तेमाल होगा. इसमें से हम ये. Right? So that we are using here, or it can be like this. It can be a push like this or like this. Right? We are using this. Next factor is knee. Ghutna. Brain. Next is your knee. Like for jumping, we are using our knee. For doing anything explosive, we are using our knee. Ye ghutna istamal ho raha. You see? This one. See? Here. That I am going to use. Because it was like this. I'm kind of a bending over here. Yahan se to punch, I need this with the ankle. So ankle bhi sikha tha, ghutna bhi sikhayenge. Yeah. So this one also pushes, this one also pushes. It is like yahan se main kood ke iski taraf ja raha hu. तो अब तक आपने देखा कि घुटना और एंकल कैसे यूज करते हैं. तो हम एक पुशिंग वाला एक्शन, जो यूज हम पुशिंग में करते हैं या फिर जंपिंग में करते हैं, वी डू लाइक दिस, राइट? इसमें क्या हो रहा है? ये भी यूज हो रहा है और ये भी यूज हो रहा है. उसी प्रकार से इस डायरेक्शन में वो चीज जब करेंगे अलोंग विद पंच, इट इंक्लूड्स योर पावर. सो वी आर यूजिंग दिस एंड द पंच. पंच करने की इस गुस्ताखी के लिए आपको एक और फैक्टर इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो है हिप्स. सो योर हिप्स have to move. You need to do this. Karate guys know this, but many people are very stiff. They can't do this. I suggest practicing. Dilbar. Haan, dilbar. एक बार आपने वो belly dancing वगैरह practice कर लिया है, तो आपके इधर mobility आ जाएगा, मतलब easy हो जाएगा. Now what we doing is ankle, knee, and at the same time hip, right side, क्योंकि right side से punch कर रहा है, उस direction में ऐसे जाना चाहिए. ये तीनों एक साथ चलते हैं. दिस वर्क्स लाइक अ मशीन टुगेदर. एक साथ सीरीज. नाउ व्हेन यू पंच विद दैट, दिस इज अ 20 केजी पंचिंग बैग. इट्स नॉट मेंट टू पंच व्हेन इट इज स्विंगिंग एट यू, राइट? बट स्टिल know something about this, I'm sure you can feel the power changing, right? मेरा power change हो रहा है, जैसे कि मैं एक एक करके चीजें technique add कर रहा हूं, right? That is the magic of this
हाका नूडल्स। नाउ लेट अस कम टू ब्रीथिंग, कैसे सांस लेते हैं, मतलब सांस कैसे छोड़ना है। ऑलवेज यू हैव टू एक्सहेल व्हाइल यू पंच, व्हेनेवर यू हिट यू डू समथिंग यू हैव टू एक्सहेल। यू माइट हैव सीन दिस टाइकोंडो एंड दिस एमएमए गाइस, दे गो लाइक दे मेक दैट साउंड, व्हाई दे वांट टू मेक श्योर दैट डिसिप्लिनिंग देयर माइंड, मतलब उसको मतलब वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब भी वो कुछ ना कुछ करें तो ब्रीथ आउट हो, ब्रीथ आउट हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ डूइंग, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऊपर वाले द्वार से ही हवा छोड़नी है हमें, ध्यान रहे। ओके तो इसमें क्या होता है, इफ यू टाइटन योर ग्लूट्स, ये पीछे के जो मसल्स होते हैं उसको एकदम थोड़ा सा हल्का सा टाइट करें, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिर भी हल्का सा अगर आप टाइट करते हैं और एकदम जैसे योगा में कपाल भाटी के जैसे ऊपर की तरफ सांस लिया जाता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ प्रेशर दिया जाता है, उसी प्रकार से यू हैव टू ब्रीथ आउट ऊपर की तरफ। सी आउटसाइड, I don't care you're doing it with mouth or you're doing it with nose and you're making sound or you're making sound. I don't care. Just breathe out. Upar ki taraf. So remember to breathe out. And the next factor is your shoulder movement. Shoulder, I'm not just talking about the shoulder. Separately, I'm talking about the full upper body. Upar ka jo region hota hai, jo ek saath aise aise hilta hai. Wo. Consider this as a straight line. I have to make this into a 45 degree angle facing this side. Because when I punch, I need to punch like this. Then only I'll have some power to it. Seedha nahi karenge. Agar seedha kiya to ye hai power. See, this is the power. And if I do with the shoulder, you notice a difference. Right? Shoulder ke saath. Push. Breathe out karna hai. Ankle nahi bhulna hai. Knee, hip, breathe out. Shoulders. How should you punch? It doesn't matter. In karate, they will ask you to punch correct like this. Yes. There are many things. Some people extend their shoulder blades and they do like this. Some people do it just like this in karate. Other things are like the kung fu guys will somewhat do like this. In boxing, you will learn it like this. It's okay. Just make sure you don't hurt your elbow and you're moving along with the body. Doesn't matter you punch like this or like a karate correct punch. It should be along with your body. Jo jo aapne dekha, ankle, knee, hips, breathing out and shoulders. Make sure. Nahi, hum aaj bhi tujhe hi dekh rahe hain. Usko nahi dekh rahe hain. Aaj bhi hum aage wale ko hi dekh rahe hain. Okay. So make sure, jo bhi aap hand movement kar rahe hain, it is combined with that. You don't want to first do this. And then do this. You're just wasting your power, energy, time. Many people do this. When they're practicing karate punches, they will be like one and two. And two. No, it should be together. Ek saath. Iske saath hi to aayega. Pehle ghum jao, phir punch kar do. It's again a waste of your energy and time. You have to go together. Right? That's how you have to do it. So that's all. Don't punch with your arms, punch with your legs. Shayad. अब समझ आ रहा है किसी को। That's all for today. Karate TV online class is a place where we teach this online. एकदम मतलब करेक्ट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज ऑफर्ड एट 50% ऑफ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नया चैनल है कराटे टीवी वाले भैया, लाइट हार्टेड चैनल। डोंट एक्सपेक्ट फिलोसफी इन दैट, मतलब चिल्लर पार्टी वाला जो भी है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन विद द रिवर्स पंच।